गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगमा और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो लेके आई हूं, क्योंकि आप लोगों के जो क्वेश्चन है मेरे पास भर भर के आ रहे थे कि सुगम आपने इतनी जल्दी अपने बालों को लंबा कैसे कर लिया है और आपके बाल काफी घने हैं। जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं उन्होंने देखे होंगे, पहले मेरे बालों की ग्रोथ यहाँ पे नहीं थी, काफी पतले बाल थे। लेकिन मुझसे डे बाय डे लोग पूछते रहते हैं, अपने हेयर केयर रूटीन बताइए, जो आप शैम्पू यूज करती हैं वो बताइए, जो आप कंडीशनर यूज करती हैं वो आप बताइए, जिससे कि हम भी अपने बालों को अच्छा कर पाएं। क्योंकि एज यू नो, चाहे जेंट्स हो, लेडीज हो, गर्ल्स हो, बालों की दिक्कत हर किसी को फेस करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इस रिक्वेस्टेड टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊं कि मैं किन चीज़ों को यूज़ करती हूँ। एज यू नो कि मैं हमेशा ऑर्गेनिक, हर्बल या फिर बहुत ही ज़्यादा प्योर चीज़ों को यूज़ करती हूँ। मतलब मैं केमिकल युक्त चीज़ों को नहीं, बिल्कुल भी ना यूज़ करती हूँ, ना ही आपको प्रेफरेंस देती हूँ। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही शैम्पू के बारे में बताने आई हूँ जो 100% नेचुरल है। यानी मैं बोलूँ तो सिकाकाई, मेथी और आंवला, मतलब मैं सारे इंग्रेडिएंट्स आपको बताऊंगी। उस शैम्पू का यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रही हूँ, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं और यहाँ के बालों को भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल भी जो मेरे बाल पहले यहाँ पे नहीं थे वो भी हैं, क्योंकि बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, बालों का झड़ना बंद हुआ है। मतलब मैं बोलूँ तो ऑल इन वन सोल्यूशन है, और सबसे बड़ी बात है नेचुरल है और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। तो वो कौन सा शैम्पू है, कैसे यूज करना है, उसका प्राइस क्या है, और उसके साथ भी मैं किन चीज़ों को और यूज करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी मत करना भूलिएगा। ऑलरेडी लिंक नीचे दिया हुआ है, जिसमें मैंने अभी आपके साथ एक प्रोफेशनली ब्राइडल मेकअप आप लोगों के साथ शूट करके वहां पे अपलोड किया है। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज मैं वहां पे लेके आती हूँ, व्लॉग्स लेके आती हूँ, साथ ही साथ हेयर केयर, स्किन केयर, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज लेके आती हूँ। तो उस चैनल का भी लिंक नीचे है, वहां से जाके आप मेरे उस चैनल पर डायरेक्ट जा सकते हैं। तो आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, लेकिन शायद आप ज्यादा एक्साइटेड मैं हूं इस शैम्पू को दिखाने के, क्योंकि ऑसम रिजल्ट है। और मैं बोलूं तो मेरी फैमिली में हर कोई इसे यूज करता है और इसके बेनिफिट्स लाजवाब हैं। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, दिस इज द नेचर श्योर का जो शैम्पू और जो 100% नेचुरल है, जो कि आपको, मतलब अगर मैं और शैम्पू की बात करूँ तो किसी में 100% नेचुरल नहीं लिखा होता है। एंटी डैंड्रफ, एंटी हेयर फॉल एंड रिस्टोर शाइन, मतलब ये सारी चीज़ों को करते हुए भी कि शाइन नहीं जाएगी, हेयर फॉल रुकेगा, उसके बाद भी शाइनिंग को ये स्टोर करता है। 300 ml में ये है, और इसमें जैसे सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की हुई हैं कि अगर जो कि तीखी गंध आ रही हो तो ये समझें कि बिल्कुल शुद्ध है। एंड और जो चीज़ें लिखी हुई है कि हर रोज शाम को सोने से पहले 10 से 15 मिनट तक अपने सर और बालों को जोक से तेल से हल्के हाथों से मसाज करें, और सुबह जोक शैम्पू से अपने सर एंड बालों को धो लें। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन करेंगे तो काफ़ी अच्छा इसका बेनिफिट मिलेगा। और इसका प्राइस 390 है, जिसका लिंक ऑलरेडी मैंने नीचे दे दिया है, आप जाके वहाँ से चेक करिए, देख लीजिएगा। और इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो देख सकते हैं एलोवेरा, आंवला, बहेड़ा, शिकाकाई और हर्ड, मेथी, नीम एंड शैम्पू बेस। सारी चीज़ें का लिखा हुआ है कि सारी चीज़ें, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है, 100% नेचुरल है, जो कि मोस्टली आपको शैम्पू में नहीं मिलेगी। और मुझे सबसे अच्छी बात इसकी यही लगी कि आपको इसको पंप सिस्टम में मिला है, कुछ भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मुझे वो जो ऐसे वाले शैम्पू होते हैं नहीं समझ में आते हैं, मुझे यही वाले शैम्पू समझ में आते हैं। तो इसे यूज़ करते हुए, इसके ऑयल को यूज़ करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। तो एक बार आप जाके ज़रूर इसे परचेज करिएगा मेरे कहने पर, क्योंकि नेचर श्योर के प्रोडक्ट हमेशा 100% नेचुरल रहते हैं। तो ट्राई जरूर करिएगा और जैसा रिजल्ट हो मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, देखा इस जोक शैम्पू का यूज करके आप बहुत ही ज्यादा, मैं बोलूं तो अपने समस्याओं से निजात पा सकते हैं, क्योंकि बाल कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी में अहम भूमिका निभाते हैं, कहीं ना कहीं आपकी एज को रोक देते हैं। अगर आप देख सकते हैं कि जिन लड़कों की
23-24 साल में बाल पूरी तरह से झड़ जाते हैं, वो लगने लगते हैं 35-40 के। तो बाल कहीं ना कहीं आपकी एज को भी डिफाइन करते हैं, तो अपने बालों को बचा के रखिए और उन्हें बिल्कुल भी केमिकल से मत धोइए। मेरा आपसे यही कहना है, नेचुरल चीजों से अपने बालों को वॉश करिए, नेचुरल ऑयल लगाइए। और अगर इस शैम्पू के साथ आप जो ऑयल यूज करेंगे तो उसका जो मैं बोलूँ बेनिफिट्स दुगना हो जाएगा। तो लिंक ऑलरेडी सारे मैंने नीचे दे दिए हैं। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।